हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग एंटीबॉडी पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन इन इम्यूनोग्लोबुलिंस देखेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे, लाइक कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इंटर स्पेसिफिक। उसके बाद हम लोग प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन इन इम्यूनोग्लोबुलिन से। अगर हम बात करें ग्लाइकोसाइलेशन इन इम्यूनोग्लोबुलिन, तो देखिए ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन का होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक क्या है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? बेसिकली देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स कार्बोहाइड्रेट की एक मोइटी अटैच होगी। कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अटैच होगी। तो कार्बोहाइड्रेट की मोइटी कहाँ अटैच होती है? तो आप याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की मोस्टली मोइटी जो होती है वो अटैच होती है CH2 डोमेन पर। कहाँ पर अटैच होती है? CH2 डोमेन पर अटैच होती है, जो कि आपको दिख रहा है, CHO ग्रुप दिख रहा है। बेसिकली क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन हो रखा है। तो कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अटैच होती है CH2 डोमेन पर कई बार एक्सेप्शनली CH3 डोमेन पर भी कार्बोहाइड्रेट की मोइटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर यूजुअली पूछा जाए तो CH2 डोमेन कहेंगे आप, यूजुअली कहाँ मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट की मोइटी? CH2 डोमेन पर एक्सेप्शनली CH3 डोमेन पर भी कई बार हमें देखने के लिए मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट की मोइटी। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अटैच नहीं होगी तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आप ऑलिगोसैकेराइड मीन से कार्बोहाइड्रेट की अगर मोइटी को रिमूव कर दें तो क्या होगा, ये अपना इफेक्टिव फंक्शन जो कि एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबुलिन का इफेक्टिव फंक्शन है, वो लॉस हो जाएगा। उसका इफेक्टिव फंक्शन इन द सेंस इज लाइक उसका जो फेगोसाइटोसिस, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारे जो इफेक्टिव ADCC, जो सारे इफेक्टिव फंक्शन होते हैं, जो उसका काम होता है, वो अपने सारे फंक्शन को लॉस कर देगा। ये मैंने यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन भी की हैं कि ऑलिगोसैकेराइड मींस जो कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है वो अटैच किस डोमेन पर होगी? CH2 डोमेन पर, बट कुड ऑल्सो बी प्रेजेंट एट CH3 डोमेन पर भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इफ ऑलिगोसैकेराइड इज इनअप्रोप्रिएट और इट इज एबसेंट, देन इट अफेक्ट्स द रेट एट विच एंटीबॉडीज आर क्लियर फ्रॉम द सीरम एंड डिक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड बिटवीन एंटीबॉडीज एंड FC रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं, अब आई होप आपको ग्लाइकोसाइलेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आपको समझ आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। देखिए, अगर ये हम बात करें, ये क्या है, हम लोग लास्ट वीडियो पढ़ चुके हैं, ये हमारी हैवी चेन है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी लाइट चेन है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ इंट्रा स्पेसिफिक, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा मींस विद इन, तो विद इन किस में? पहले हम बात करेंगे लाइट चेन में। तो विद इन लाइट चेन कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? हमें पता है एक एंटीबॉडी में दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं। तो जो हैवी चेन, अगर लाइट चेन की अगर हम बात करें विद इन, तो देखिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ये है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड विद इन ये है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ये है और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ये है। तो टोटल कितने लाइट चेन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए? 4। इन द सेम वे अगर हम हैवी चेन की बात करें, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? तो देखिए, एक ये गया, एक, दो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है, एट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एट, टू, टेन। टेन क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो आपको हिंज रीजन जो दिख रहा है बीच का, ये जो बीच का हिंज रीजन जो दिख रहा है आपको ये ब्लैक कलर में, ये हिंज रीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि अभी हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के आगे फर्दर चल के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स में M और E जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उनमें हिंज रीजन एब्सेंट होता है। हिंज रीजन एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, उनमें एक एक्स्ट्रा डोमेन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं CH4 डोमेन। जिसमें जब CH4 डोमेन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर CH4 डोमेन प्रेजेंट होगा, जब ये CH4 डोमेन होगा तो यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं एक CH4 डोमेन यहाँ पर, एक CH4 डोमेन यहाँ पर, तो दो CH4 डोमेन हो गए।
जब दो सी एच फोर डोमन हो जाएंगे तो 8 to 10, इसीलिए हम वेरिएशन लेके चलते हैं, 8 भी मिल सकते हैं और 10। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखिए लाइट चेन में तो आई होप आपको समझ आए होंगे 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड, पर अगर हम बात करें हैवी चेन की, हैवी चेन विद इन, तो देखिए अगर एक मिनट में क्लियर करती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। देखिए अगर हम हैवी चेन में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 ये दिख रहे हैं, पर एम एंड ई जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम एंड ई होते हैं उनमें हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता, ये हिंज रीजन है ये प्रेजेंट नहीं होता, तो हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता इसीलिए उसमें एक एक्स्ट्रा डोमेन प्रेजेंट होता है सी एच फोर डोमेन। यहाँ पर सी एच थ्री डोमेन तक है, पर इम्यूनोग्लोबुलिन एम और ई में हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि उसकी जगह क्या होता है एक एक्स्ट्रा डोमेन नीचे प्रेजेंट होता है सी एच फोर डोमेन। तो क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम एक एक्स्ट्रा डोमेन बनाएं सी एच फोर डोमेन तो उनमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे दोनों चेन पर, मीन्स एक पर सी एच फोर देन अगेन एक पर सी एच फोर, तो दोनों में अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और ऐड हो गए, तो इसीलिए हम कहते हैं 8 to 10। आई होप आपको समझ आया होगा 8 to 10 का कंसेप्ट, क्योंकि हम 8 to 10 का वेरिएशन लेके चलते हैं। अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं एडीजी की तो 8 होंगे, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कितने होंगे 8, पर अगर हम बात कर रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम और ई की तो होंगे 10 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो इसीलिए हम वेरिएशन लेके चल रहे हैं 8 to 10। अगर मैं बात करूं इंटर स्पेसिफिक की, ध्यान से सुनिएगा, इंटर मींस हमेशा याद रखिएगा इंटर मींस बिटवीन, इंटर मींस बिटवीन, ठीक है, तो बिटवीन किसके, तो देखिए आप बिटवीन देख सकते हैं हैवी और लाइट, तो हैवी और लाइट में अगर हम देखें ध्यान से देखिएगा एक ये है ठीक है और एक ये है, तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे हैवी एंड लाइट के। मैं दोबारा से दिखा रही हूँ दूसरे कलर से, अगर मैं ब्लू कलर को यूज करूँ तो देखिए ये एक और एक ये 2, तो कितने आपको हैवी और लाइट के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं 2। जबकि अगर हम बात करें हैवी एंड हैवी के बीच में, हैवी एंड हैवी के बीच में अगर हम बात करेंगे तो हैवी और हैवी के बीच में हमें मिलते हैं 2 to 15, कितने मिलते हैं 2 to 15। देखिए 2 तो आपको ये देखने के लिए मिल ही रहे हैं, अगर आप एक मिनट में कलर चेंज करते हैं, अगर आप ये देखें तो ये 2 तो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, पर वेरी करते हैं 2 से 15 तक, ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं हैवी और हैवी में 2 to 15। तो ये बात अगर हम यहाँ पर लिख लें तो बेटर होगा हमारे लिए। देखिए अगर मैं बात करूं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अगर देखे जाएं तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, पहले मैं बात करूंगी इंट्रा स्पेसिफिक की, ठीक है, अगर इंट्रा स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं तो इंट्रा मींस विद इन, तो विद इन किसके, लाइट के भी हमें बात करनी है और विद इन हैवी के भी हमें बात करनी है, तो लाइट में अभी हमने देखा कि हमें कितने मिलते हैं 4, 2 1 में और 2 1 में। अगर हम हैवी की बात करें, हैवी हमने देखा 8 to 10 वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इंटर की, इंटर स्पेसिफिक, तो इंटर स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं, इंटर मींस बिटवीन, तो बिटवीन किस किस के, हैवी एंड लाइट के बीच में और हैवी एंड हैवी के बीच में, ठीक है, तो अगर हम हैवी और लाइट के बीच में देखें तो हमें मिलते हैं 2, जबकि हम हैवी और हैवी के बीच में देखें तो हमें मिलते हैं 2 to 15, मींस 2 से 15 तक वेरिएशन हो सकता है, हमें कितने भी मिल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने मिलते हैं, टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन इम्यूनोग्लोबुलिन आर, अब क्या आंसर देंगे कि कितने टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलते हैं, 16 to 31, कितने 16 to 31, 16 से 31 तक आपको वेरिएशन मिल देख सकते मिल जाता है, तो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वेरी करेगा 16 टू 31 के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन को लेके, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर मैंने क्लियरली दिखाने के लिए समझाया था, लेके आई थी मैं, देखिए जैसे CDRs देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, अगर हम कलर यूज करें दूसरा, ये देखिए ये CDRs हैं, ये CDR1, CDR2 एंड CDR3,
ठीक है, जिसे आप हाइपर वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन भी बोलते हैं, हैवी चेन पे भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज लाइट चेन में। अगर आप डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखें, ये देख रहे हैं आपको विद इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ये देखिए लाइट चेन में, इन द सेम वे हैवी चेन में भी विद इन देखने के लिए मिल रहे हैं येलो कलर में जो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अटैच है, ये गई कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अटैच, जो मेनली कहाँ मिलती है आपको, सी एच टू डोमेन पर अटैच, मतलब देखने के लिए मिलेगी सी एच टू डोमेन पर। क्या है ये जो कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है ये अटैच रहती है, लेकिन सी एच सी डोमेन पर भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, पर मोस्टली कहाँ मिलेगी, सी एच टू डोमेन पर। अब अगर हम बात करें प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन की, तो देखिए प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन में बेसिकली हमें पेपेन एंड पेप्सिन देखना है, और यहाँ पर एक और क्यूबे की जो इम्यूनोलॉजी की बुक है उसमें एक और दे रखा था बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का रिडक्शन। तो देखिए पहले अगर हम बात करें पेपेन की, पहले हम किसकी बात करेंगे, पेपेन की। तो अगर मैं पेपेन की बात करूं तो पेपेन क्या है, पेपेन आपका एक सिस्टीन प्रोटीएज है। क्या है, सिस्टीन प्रोटीएज, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ क्लीव करेगा, पेपेन डाइजेशन होगा, मींस पेपेन क्या है, एक एंजाइम है जो कि पपाया में मिलता है, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो पेपेन, जो ये एंजाइम है, ये कहाँ क्लीव करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड सब पता है कहाँ मिलते हैं, तो ये क्लीव करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड एबव द हैवी हैवी चेन, मींस यहां पर अगर आप मेरे ध्यान से देखें तो ये यहां पर एबव द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैवी हैवी चेन के एबव, देखिए अगर ये, देखिए ये अगर आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है, तो इसके एबव के पोर्शन पर क्लीव करता है, जहां डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उसके एबव। तो अगर जब ये यहां पर क्लीव करेगा, तो बेसिकली ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब ये एबव क्लीव करेगा तो आपको क्या मिलेगा, हमें पता है ये जो हमारा फ्रेगमेंट होता है ये क्या होता है, हमारा फैब फ्रेगमेंट होता है, ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, फैब फ्रेगमेंट बोलते हैं इसे, और इस नीचे वाले फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, एफ सी फ्रेगमेंट। ठीक है, एफ सी। तो जब ये यहां पर ऊपर क्लीव करेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब ये यहां पर क्लीव करेगा मीन्स ये इस तरीके से क्लीवेज हो जाएगा, तो ये वाला जो रीजन है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे ये रीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, और इन द सेम वे ये वाला पूरा रीजन अलग हो जाएगा। तो अगर आप देखें, जब आपका पेपेन डाइजेशन होगा तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, देखिए ये एक फैब रीजन मिल रहा है, ये दूसरा फैब रीजन मिल रहा है, और ये नीचे का एक एफ सी रीजन मिल रहा है पूरा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पेपेन के डाइजेशन से हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं, पेपेन के डाइजेशन से हमें दो फैब रीजन मिलने देखने के लिए मिलते हैं। फैब क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, ए बी मीन्स एंटीजन बाइंडिंग, क्योंकि यहीं ये वो रीजन होता है जहां पर एंटीजन बाइंड करता है, सीडीआर से, सीडीआर की वजह से क्या होता है, डेवलप होता है कंसेप्ट सेल्फ और नॉन सेल्फ का, और जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, बाइंड होता है इस रीजन पर। तो इसीलिए फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग ये वो रीजन है, ये वाला वो रीजन है जहां पर क्या होगा, एंटीजन बाइंड करेगा। तो एफ ए बी, कितने एफ ए बी मिलेंगे आपको, टू। देन आपको एक क्या मिलेगा, एफ सी, सी इज फॉर, सी क्या स्टैंड करता है, क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, सी फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, सी स्टैंड करता है क्रिस्टलाइजेबल को। तो देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहां पर कटिंग हुई है, तो यहां पर कट लगा है, जिसकी वजह से ये एफ सी वाला फ्रेगमेंट नीचे की तरफ है और फैब जो है अलग हो गए हैं दो। तो दो फैब के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और एक एफ सी का। अगर हम बात करें कि फैब फ्रेगमेंट का कितना मॉलिकुलर वेट होगा, तो एक फैब फ्रेगमेंट का, ध्यान से सुनिएगा, वन फैब फ्रेगमेंट का कितना मॉलिकुलर वेट होगा, 45 किलो डाल्टन मॉलिकुलर वेट होगा, और वन एफ सी फ्रेगमेंट का कितना मॉलिकुलर वेट होगा, अप्रोक्स 50 किलो डाल्टन मॉलिकुलर वेट होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। देन अगर मैं बात करूं पेप्सिन डाइजेशन की, अगर मैं बात कर रही हूं पेप्सिन के डाइजेशन की, तो ये जो पेप्सिन है, पहली बात तो ये क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड रिच होता है। ठीक है, मींस एरोमेटिक अमाइनो एसिड के पार्ट पर ही क्लीव करवाएगा। दूसरी बात, ये कहां पर क्लीव करेगा, बिलो द डाइसल्फाइड बॉन्ड, हैवी हैवी चेन में, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, देखिए अगर मैं क्लियर करूं, अगर मैं देखिए यहां पर बिलो द हैवी हैवी चेन के बिलो में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, इसके बिलो में यहां पर क्लीव करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर फैब फ्रेगमेंट्स नहीं आएगा, प्रॉपर फैब फ्रेगमेंट नहीं बन के आएगा, कुछ एफ सी का पार्ट भी आ जाएगा। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे एफ ए बी का होल स्क्वायर, या
ठीक है, हो ए टू फैब ए बी टू, फैब ए बी और टू। टू क्यों? क्योंकि दो आ रहे हैं ए बी, एंटीजन बाइंडिंग दोनों आ रही है ना एक साथ जुड़ के। ये अलग तो हो नहीं पाया क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे, इसके नीचे क्लीव हुआ है। आई होप ये क्लियर होगा। और क्या आएंगे आपके पास बाकी? एफ सी के फ्रेगमेंट्स आएंगे, लिख रहा है प्लस एफ सी फ्रेगमेंट्स, कुछ स्मॉल स्मॉल एफ सी के फ्रेगमेंट्स आएंगे क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, क्लीवेज हुआ है वहां पर, यहाँ पर नीचे क्लीवेज हुआ है ना इस तरीके से, तो एफ सी के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे आपको बाकी के। ये ऊपर का पूरा पोर्शन मिलेगा एंड नीचे एफ सी के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये इस ये क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा भाई, क्योंकि ये एक ही आया है, तो इस एक एफ ए बी टू का कितना मोलिकुलर वेट होगा? 100 किलो डाल्टन अप्रोक्स, अप्रोक्स कितना? 100 किलो डाल्टन। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात कर रही हूं मरकैप्टो इथेनॉल से रिडक्शन कराया गया है। देखिए बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो ये बिटवीन वाले डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से हैवी चेन अलग हो जाएंगी और लाइट चेन अलग हो जाएंगी। तो आपको दो हैवी चेन देखने के लिए मिलेंगी और दो लाइट चेन देखने के लिए मिलेंगी, बस इसमें यही है मरकैप्टो इथेनॉल रिडक्शन में। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट्स हमें डिटेल में समझने हैं, तो वो चीज़ हमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। देखिए, अगर मैं बात करूँ पेपेन डाइजेशन की, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार और बता रही हूँ, पेपेन डाइजेशन कहाँ क्लीव करता है? अबव द डाइसल्फाइड बॉन्ड। कहाँ पर? डाइसल्फाइड बॉन्ड भी किसके अबव? हैवी हैवी चेन में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसके अबव क्लीव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें टू फैब मिलते हैं और वन एफ सी देखने के लिए मिलता है। इसका अप्रोक्स मॉलिकुलर वेट जो एफ ए बी का मॉलिकुलर, एक एफ ए बी का मॉलिकुलर वेट होता है 45 किलो डाल्टन, अप्रोक्स कितना? 45 किलो डाल्टन। तो और कितने हमें मिल रहे हैं? टू एफ ए बी देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें कि वन फैब में, मैं पेपेन में बात कर रही हूँ, वन फैब में कितने मुझे सी डी आर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको आपको पता होगा कि ये आपका एक फैब है, ठीक है। इस एक फैब में लाइट चेन में और हैवी चेन में, अगर लाइट चेन में बात करूं तो 1, 2, 3 सी डी आर्स, हैवी में अगर बात करूं 1, 2, 3, तो एक फैब में आपको कितने सी डी आर्स देखने के लिए मिलेंगे? 6 सी डी आर्स देखने के लिए मिलते हैं। कितने? 6 सी डी आर्स। और ये जो फैब है, देखिए एंटीजन को प्रेसिपिटेट करने के लिए दोनों एफ ए बी होना जरूरी है, मीन्स अगर ये इस तरीके से होगा तो ही एंटीजन प्रेसिपिटेट हो सकता है, अदरवाइज अकेला वन फैब एंटीजन को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं बात करूँ पेप्सिन की, पेप्सिन में हमें पता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहाँ पर क्लीव, मीन्स बिलो, सुनिए मेरी बात, हैवी हैवी चेन में बिलो डाइसल्फाइड बॉन्ड के क्लीवेज यहाँ पर कट लगता है, क्लीवेज होता है, ठीक है। तो क्या ये एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो एंटीजन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूसरी बात, कितने सी डी आर्स होंगे? तो अगर बात करूँ तो देखिए, एक फैब में 6 सी डी आर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक फैब में 6 सी डी आर्स हैं, और क्योंकि दो फैब हैं तो कितने होंगे? 12, तो 12 सी डी आर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। देखिए ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी है, पेपेन क्या है? एक सिस्टीन प्रोटीज है, क्लीव डाइसल्फाइड बॉन्ड अबव द हैवी हैवी चेन, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, पेपेन ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता है। रिजल्ट्स, जब आप क्लीवेज होगा तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? दो फैब मिलेंगे और एक एफ सी मिलेगा हमें। जबकि अगर हम पेप्सिन की बात करें तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड रिच है, ठीक है, क्लीव डाइसल्फाइड बॉन्ड बिलो द हैवी हैवी चेन, हैवी हैवी चेन के जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसके बिलो क्लीवेज होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, पेप्सिन कहाँ? स्टमक में मिलता है ऑब्वियसली, ठीक है, जीआईटी में, तो पेप्सिन कहाँ मिलेगा हमें? ह्यूमन बॉडी में मिलेगा। रिजल्ट्स क्या होंगे? वन एफ ए बी टू एंड एन ऑफ एस एफ सी, एन ऑफ एफ सी मीन्स एफ सी के काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जबकि यहाँ क्या मिल रहा था? वन एफ सी पूरा एज इट इज मिल रहा था, जबकि हमें पेप्सिन में क्या मिलेगा? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे एफ सी के, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 2018 का। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को लेके। लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस ऑफ रैबिट आईजीजी विद द एंजाइम पेप्सिन जनरेट्स टू एंटीजन रीजंस एंड एन एफ सी फ्रेगमेंट। तो क्या बताइए आप, पेप्सिन से क्या जनरेट होता है? हमें पता है पेप्सिन से क्या होगा? वन एफ ए बी टू जनरेट होगा,
तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पी वाला फॉल्स हो गया, ठीक है, जबकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए जब ये फॉल्स हो गया तो आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, ए वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया और बी वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आर एस या क्यू एस, एस स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, अब आपको चेक करना है आर या क्यू में से। क्यू वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस ऑफ रैबिट आईजीजी विद एंजाइम पेपेन, ठीक है, जनरेट्स अ सिंगल बाइवेलेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन एफ ए बी टू एंड पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, आपको लगता है नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। पेपेन क्या जनरेट करता है, टू एफ ए बी एंड वन एफ सी, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो मीन्स डी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो आपको पता लग रहा है कि आर एंड एस ही करेक्ट है, द एफ सी फ्रेगमेंट ऑफ आई जी जी कैन सेल्फ एसोसिएट एंड क्रिस्टलाइज इन टू अ लैटिस, आर ये स्टेटमेंट है, और एस क्या है, द एफ ए बी टू फ्रेगमेंट ऑफ आई जी जी इज कम्पोज ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन, ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी आर एंड एस, क्योंकि देखिए उल्टा लिखा हुआ है, पेपेन जबकि क्या जनरेट करता है, टू फेव एंड वन एफ सी, जबकि पेप्सिन क्या जनरेट करता है, वन एफ ए बी टू एंड पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2006 में, पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस ऑफ आईजीजी मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, पेप्सिन से हमें क्या मिलता है, पेप्सिन से हमें मिलता है 1FAB2, ठीक है, तो 1FC फ्रेगमेंट एंड 1FAB2 फ्रेगमेंट, 1FC एंड 2FAB, ये तो गलत हो गया, 1FC फ्रेगमेंट एंड 1FAB फ्रेगमेंट, ये भी गलत हो गया, 1FAB2 एंड 1FAB फ्रेगमेंट, ये भी गलत हो गया, तो क्या करेक्ट ऑप्शन है, ये वन, यहां लिख रहा है 1FC फ्रेगमेंट जबकि आना चाहिए N of FC, ठीक है, N of FC आना चाहिए, बट क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, क्योंकि 1FAB2 और 1FAB कहें आप तो वो गलत होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, ए। देन अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, गेट 2017 का क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर FAB फ्रेगमेंट ऑफ IgG, कंटेन्स एंटीजन बाइंडिंग साइट, बिल्कुल सही बात है, कंटेन्स एन इंटेक्ट एल चेन, बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें FAB फ्रेगमेंट की तरफ, ध्यान से देखिए यहां पर, ये देखिए अगर इसमें देखें तो ये पूरा इंटैक्ट रहता है, ये वाला एल चेन क्या है, पूरा का पूरा इंटैक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा, टू फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन आईजीजी मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है, दो फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं भाई, दो एफएबी के फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं ना, आईजीजी से दो एफएबी के फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं ना, बिल्कुल सही बात है, मीडिएट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इन द इंटैक्ट आईजीजी मॉलिक्यूल, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, थ्री ऑप्शंस करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, रॉन्ग है, मींस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन डाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी यील्ड्स टू FAB2 फ्रेगमेंट एंड लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रेगमेंट्स, टू FAB फ्रेगमेंट्स एंड 1FC फ्रेगमेंट, वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन, ओनली लाइट चेन, ऑब्वियसली हमें पता है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 1FAB2 का फ्रेगमेंट आता है और लो मॉलिक्यूलर वेट के फ्रेगमेंट्स आते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रेगमेंट्स मींस FC के फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल करके पूछ सकते हैं ज्ञानवर्षाquery@gmail.com पर। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।